बेटा अभी पेपर जो हुआ था कल आपका नीट का, ठीक है, इस साल के लिए, तो पेपर बहुत एक तरीके से इजी पेपर था, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था आपके पास। बायोलॉजी तो ओवरऑल बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी से, तो जिस बच्चे ने अपना एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो तो बहुत आराम से पेपर उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन छोड़ भी दे तो 90 में से कम लाइक 85+ क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। मतलब बहुत इजी पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, आप अभी चेक करते जाना, और इवन आप अभी एनसीईआरटी खोल के रख सकते हो साथ साथ में, आपको पता लग जाएगा कि कितना इजी पेपर था, ठीक है। तो जरा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जूलॉजी के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं बेटा। तो सबसे पहले चलते हैं, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेट में से डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट जरूर करता है, क्योंकि अगर आपके पास PCO2 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूटेगा, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, हायर एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इन द एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो एच पॉजिटिव का हाई कंसेंट्रेशन होता है वो बेसिकली आपका टिश्यू लेवल पे है और वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता नहीं है बेटा, टूटता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख लो, लो PCO2 इन द एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट का जो आंसर आपके पास है, मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट आपने चूज करनी है, वो आपके पास है सेकंड स्टेटमेंट, क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां से आया है आपका ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इवोल्यूशन के चैप्टर से है। तो इवोल्यूशन बेटा अभी आपने करा नहीं है, ठीक है, अभी आप प्लस टू में हो तो मैं आपको पहले चैप्टर बता देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चे ड्रॉपर बैच में मतलब कर चुके हैं सारा रिपीट उनको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का मतलब होता है जो मैन की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस के कारण आपको इवोल्यूशन के चेंजेस देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट में। तो उसमें पहला ऑप्शन है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये नेचुरल था, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये आप ऑप्शन में से कट कर दो। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट, ऑब्वियसली वीट्स के वैरायटी, अगर आप हर्बिसाइड यूज करोगे तो वो ज्यादातर रेजिस्टेंट वैरायटीज हमारे पास बनेंगी। ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट्स का फॉर्मेशन जो है, या इवन जो मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स है, ये सारे जितने भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें जो BCD है वो आपका करेक्ट है, तो सेकंड का आंसर यहाँ पर बनेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो कॉलम आपको दिए बेटा, पॉजिटिव एजेंट के नाम है, डिजीज के नाम है, मैच करके आपने बताना है। तो सबसे पहले टाइफाइड है, निमोनिया है, फ्लोरियासिस है, मलेरिया है। मलेरिया तो देखो बहुत कॉमनली आप लोग बार बार पढ़ चुके हो, ठीक है, प्लस वन में भी पढ़ते हो, प्लस टू में पूरा साइकिल आता है उसका। तो मलेरिया तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास आता है प्लाज्मोडियम, फ्लोरियासिस आपके पास है वोचेरिया, निमोनिया आपके पास टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, और देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है निमोनिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा दैट इज नंबर 4, वो हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट में ए का हमारे पास है थर्ड, टाइफाइड साल्मोनेला, बी निमोनिया हिमोफिलस, सी फ्लोरियासिस वोचेरिया एंड डी मलेरिया बाय प्लाज्मोडियम, क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन बेटा ब्रीदिंग का चैप्टर पढ़ते हो आप, मैंने आपको पहले ही बोला है कि उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पूरी फिजियोलॉजी की यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 क्वेश्चंस आते आते हैं। तो यहाँ पर ब्रीदिंग का जो टॉपिक है उसमें इंस्पिरेशन करना है, तो इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज करेगा, लंग्स में जाएगा, सो गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम द हायर प्रेशर टुवर्ड्स अ लोअर प्रेशर, क्लियर।
तो सबसे पहले देखो इंस्पिरेशन में लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी होगा, तभी रिब्स और स्टर्नम जो है वो अंदर और नीचे की तरफ मूव करेंगे. पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, अब ये यहाँ पर गलत है क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन से बेसिकली हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, क्लियर. उसके बाद हमारे पास है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, आप में जो ब्रीदिंग होती है बेटा वो नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वाली ब्रीदिंग है, मतलब जब भी हमारे बॉडी में इंस्पिरेशन होता है तो डेफिनेटली उस टाइम पे जो लंग्स हैं उनके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जिसको नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं. प्रेशर कम हो जाता है तो गैसेस बाहर हायर प्रेशर पे हैं, इमीडिएट वो डिफ्यूज कर जाएंगी लंग्स के अंदर, ठीक है. तो गैसेस विल बी डिफ्यूज्ड फ्रॉम द हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट बनेगा, जो आप सेट में करेक्ट बताओगे, उसमें एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है और एक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. सेट में जो करेक्ट बनेगा, क्योंकि बेटा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट आप नहीं लगा सकते. यहाँ पर प्रेशर एक्चुअली डिक्रीज करता है, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है. फर्स्ट ऑप्शन में डी रखा है, सेकंड में डी रखा है, थर्ड में डी रखा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए. बच्चा कौन सा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन विच इंक्लूड द ए एंड बी. नंबर एट क्वेश्चन इस सेट में था कि इन जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, या बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हो तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास आता है फर्स्ट वन, इथिडियम ब्रोमाइड इन द यूवी रेडिएशन, क्लियर. तो अगर आपने डीएनए बैंड्स को ऑब्जर्व करना है, फ्रेगमेंट्स को, तो उसके लिए जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो डाई यूज करी जाती है जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस में. Then number 9 question है, the QRS complex in the standard ECG. Standard ECG, ECG आप बनाते हो, ठीक है, electrocardiogram. तो वहां पर जो हम graph ऐसे बनाते हैं, तो graph में बेटा कुछ इस तरीके की curves बनाई जाती हैं, अगर आपको याद हो. This is P, then Q, then R, then S, then last आपके पास है T. तो जो QRS आपके पास wave है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये बताना है आपने. सो ऑब्वियसली जो क्यू आर एस है बेटा, दैट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. अगर आपको याद हो, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डीपोलराइजेशन, और यू कैन सी सिस्टोल. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट विल बी द टू, दैट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स. नंबर 11 क्वेश्चन जो सेट में था, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी. जो इन्फेक्शियस स्टेज है बेटा प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम मलेरिया साइकिल का दूसरा क्वेश्चन है. देखो जरा, ये जो आपकी बॉडी में एंटर करेगा जब ये आपको बाइट करती है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगा तो आपकी बॉडी में क्या डालता है, अपना स्लाइवा डालता है. उसके स्लाइवा में इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, दैट इन्फेक्टिव स्टेज इज नोन एज द स्पोरोजॉइड, जो बेसिकली हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को स्टार्ट करती है, मलेरिया साइकिल को स्टार्ट करती है, क्लियर. देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ. तो इसमें आंसर आपके पास आएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये हम आगे जाके भी इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे भी आपको, ठीक है, बाकी ड्रॉपर वाले बच्चे ये कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स का है बेटा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. अभी अभी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे से आपको याद भी होगा. सबसे पहली स्टेटमेंट, अ पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ द थ्री एलील्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है. नो डाउट आपके पास बेटा टोटल तीन जीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली तीनों में से कोई दो ही आपके पास होंगे फॉर द ब्लड ग्रुप कैरेक्टर. When IA, IB are present together, they express the same type of sugar. Now that is the incorrect statement. IA actually form a different type of the sugar from IB. That is why IA, IB show the co-dominance. जिसमें दोनों बराबर express होंगे, दोनों अपनी अपनी sugar बनाएंगे. तो ये जो second statement है ये हमारे पास गलत है. Third statement, allele I does not produce any sugar. बिल्कुल ठीक है. Gene I has three alleles. ये भी ठीक है. रॉन्ग स्टेटमेंट आपका बना सेकेंड. देन उसके बाद है नंबर 15 क्वेश्चन सेट का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉडिटा. एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार चेक कर लो इस क्वेश्चन को. अभी यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें 15 नंबर क्वेश्चन में, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है यूरोकॉडेटा, नोटोकॉड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल
प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. पहली बात तो बेटा यूरोप ऑडेट जो है उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, तो मतलब इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि जो नोटोकॉड है वो थ्रू आउट द लाइफ आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ लार्वल स्टेज में है. तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाता है. वर्टिब्रेटा में नोटोकॉड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हो. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल एंड होलो, ऑब्वियसली हमारे में डॉर्सल भी होता है होलो भी होता है. कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू द थ्री सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा. नाउ दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के अंदर नहीं आता है. हेमिकॉर्डेटा बेसिकली हम नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं. तो करेक्ट हमारे पास एक बी और सी है, तो ऑप्शन में हमारा जो आंसर बना दैट विल बी द थर्ड वन. क्लियर? तो ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है बेटा. नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन जो है सेट में था, प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन द यूरिन आर द इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस मतलब जो शुगर डिसऑर्डर है डायबिटीज, ठीक है, वहां पर आपने बताना है कि यूरिन में कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां से हमें पता लगता है कि देयर इज अ डायबिटीज मेलिटस कंडीशन. तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, यूरिमिया, रीनल कैलक्यूली पॉसिबल नहीं है. यूरिमिया जब ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, ठीक है, और रीनल कैलक्यूली स्टोन होते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है. सेकेंड ऑप्शन कीटोन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, मतलब यूरिन में कीटोन बॉडीज होंगी और यूरिन में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा. ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन कि अगर यूरिन में कीटोन बॉडी या ग्लूकोज प्रेजेंट है दैट इज अ इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज डिजीज, डायबिटीज मेलिटस. क्लियर? देन उसके बाद सेकेंड अनदर क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रांसलेशन इज, ठीक है, ड्रॉपर वाले बच्चे ये सारा टॉपिक कर चुके हैं, क्रैश में पढ़ चुके हैं, प्लस टू वाले बच्चे भी ये करेंगे. तो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जिसमें हम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं. तो जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो जो सबसे पहला स्टेज हमारे पास आता है दैट इज द अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोला जाता है. चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब कि जो टीआरएनए होगा दैट विल बाइंड विद द अमीनो एसिड जिसको किसने ट्रांसपोर्ट करना है ट्रांसलेशन के लिए. सो दैट इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन था, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ए सिलोमेट एनिमल. एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से चेक कर लो जरा, ठीक है. आपको दो चीजें बताई गई है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री समझते हैं ना सब बच्चे, ए सिलोमेट, देयर इज नो सिलोम. ये एग्जाम्पल किसके लिए होगा? प्लैटीहेल्मिंथस जिनको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है, एस्कलमिंथस विच आर कॉल्ड राउंडवर्म्स, एनालेट्स. देखो एस्कलमिंथस जो है वो स्यूडो सिलोमेट में आते हैं, ठीक है. तो स्यूडो सिलोम का मतलब हम उनको ए सिलोम नहीं बोलते. एनालेट जो है वो हमारे आते हैं यहाँ पर ट्रू सिलोम के अंदर. क्लियर? और अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर 4th ऑप्शन टीनोफोरा, तो ये आता है अपना थर्ड फाइलम. तो टीनोफोरा में बेसिकली बेटा ए सिलोमेट कंडीशन तो है बट बाइलेट्रल सिमेट्री हम नहीं बोल सकते. तो बाइलेट्रल सिमेट्री और ए सिलोमेट कंडीशन दोनों इकट्ठी हमें मिलती है फ्लैट वर्म्स में. तो इसका आंसर आएगा आपका सही प्लैटीहेल्मिंथस, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. नंबर 4, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी से, तो इसका आंसर आपके पास आएगा वैलिन, ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, डायरेक्ट लाइन उठाई हुई है एनसीईआरटी की बुक से. तो जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती उनके लिए कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें हमारे पास आता है ये नंबर 4, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंडर, ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer, and IUT intrauterine transfer, less than 8 blastomere or more than 8 blastomere. Clear? Then उसके बाद है next, which of the following statement about the inclusion bodies is incorrect? Inclusion body बेटा cell chapter में आप लोग पढ़ते हो plus one में cytology में, ठीक है. और पहली बात देखो, these are involved in the ingestion of the food particle, number first option. Second option बोलते हैं they lie free in the cytoplasm, ठीक है, they represent the reserve material in the cytoplasm, clear है, जैसे glycogen granule, starch granule, they are not bound by any membrane, clear, obviously they are not bound by any membrane. तो इसका जो सही answer आपके पास है 1. नंबर 27, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ी है जेनेटिक्स में. तो क्रोमोसोमल ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है दैट वाज कंबाइनली गिवन बाय द सुटोन एंड द बॉबेल. क्लियर? दी उन्होंने थी, लेकिन जो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था दैट वाज एक्चुअली डन बाय अदर साइंटिस्ट हुज नेम वाज मॉर्गन. मॉर्गन ने जो अपना काम किया था वो ड्रोसोफिला के ऊपर किया था.
जिसमें उसने लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, बहुत सारे क्रॉसेस आपको बना के दिए थे. सो ही एक्चुअली गेव द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. देन उसके बाद आता है नंबर 28, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एसटीडी बतानी है आपने, ठीक है, वो ऑप्शन जिसमें सारी एसटीडीज है बेटा आपके पास. फर्स्ट ऑप्शन है गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पेस, ऑब्वियसली मलेरिया नहीं है. सेकंड एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, सिर्फ एड्स है. थर्ड कैंसर, एड्स एंड सिफिलिस, नो. नंबर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पेस. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा और डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आए हैं यहाँ पर पेपर में, लाइक डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ज्यादा घुमा के भी नहीं कुछ पूछा इन्होंने. तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, ज्यादा बाहर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल और डीप जाने की जरूरत नहीं है किसी चीज में. एटलीस्ट उतना अच्छे से करो जितना आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको दिया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड्स इन द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन का मेन साइट बताना है आपने. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड. तो बेटा सीधी सी बात है, इसका जो आंसर आपके पास है वो गॉल्जी बॉडी आएगा. बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी प्रोटीन और लिपिड बनता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गॉल्जी बॉडी के पास. तो गॉल्जी बॉडी में होता है मॉडिफिकेशन, प्रोटीन बिकम ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड बिकम ग्लाइकोलिपिड. सो दीस प्रोसेस आर नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, जो हमारे गॉल्जी बॉडी में होता है. दैट इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेल चैप्टर. 32 आपके पास है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज डिसप्रूव्ड बाय. प्लस टू वाले बच्चों ने अभी ये करा नहीं है, ड्रॉपर वाले और क्रैश वाले बच्चे इसको ऑलरेडी कर चुके हैं सारा. और रीजन एंड एवोल्यूशन में आप पढ़ चुके हो बेटा. तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था एवोल्यूशन के लिए वो डिसप्रूव किया गया था बाय द कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेर. क्लियर, दैट इज अ फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉजेज द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम का रिलीज होता है, विच प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे में होता है, वो किस हार्मोन की वजह से होगा. चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, चार ऑप्शन ध्यान से देखो. आई नो सब बच्चों के दिमाग में LH आ रहा होगा अभी, ठीक है, बट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गिवन ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन आपको दिए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन. अब प्रोजेस्टेरॉन का बेटा अगर हाई कंसेंट्रेशन रहेगा तो डेफिनेटली मेंसेस हमारे पास एब्सेंट रहते हैं. मेंसेस एब्सेंट रहने का मतलब ना तो फॉलिकल्स बनती है, ना ओव्यूलेशन होता है, ना मेंसेस होता है, नथिंग इज देयर. तो पहला ऑप्शन गया. दूसरा, लो कंसेंट्रेशन ऑफ द LH. अब आपको पता है कि ओव्यूलेशन के लिए जो मेल हॉर्मोन का रिक्वायरमेंट है वो LH है. दैट इज व्हाई LH इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी हॉर्मोन. लेकिन सेकेंड ऑप्शन में लिखा है लो कंसेंट्रेशन ऑफ LH, तो ऑब्वियसली ये आप नहीं इंक्लूड कर सकते. थर्ड ऑप्शन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ द FSH, नॉट पॉसिबल. फोर्थ, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन. अब ये ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ईस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन हाई है, तो दैट मींस कि आपके पास फॉलिकल डेवलप्ड है एंड उसमें भी आपके पास जो मैच्योर फॉलिकल है विच इज ग्राफिन फॉलिकल, दैट इज प्रॉपर वेल डेवलप ओवर देयर, ठीक है. सो ऑब्वियसली LH ज्यादा रहेगा एंड इट विल कॉजेस द ओव्यूलेशन, दैट इज अ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ये भी आप लोगों ने करा है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में. बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन आपके पास है, करेक्ट मैच आप लोगों ने बताना है. वेरी वेरी सिंपल. देखो करेक्ट मैच में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है फिनाइल किटोन यूरिया, ठीक है, दैट इज PKU. अब PKU को बोला है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. सब बच्चों ने पढ़ा है और आपको पता है कि फिनाइल किटोन यूरिया इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट, इट इज बेसिकली अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है. सेकंड है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होता है, ये बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल ठीक है. और जो म्यूटेटेड जीन होगा दैट विल बी ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. थैलेसीमिया आपके पास एक्स लिंक्ड बोला है, अगेन बेटा इनकरेक्ट है बिकॉज ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल रिसेसिव है. हीमोफीलिया वाई लिंक्ड, अगेन इनकरेक्ट, इट इज बेसिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. तो जो करेक्ट मैच आपके पास बनेगा दैट विल बी द सेकंड वन व्हिच इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है, पढ़ा होगा, याद होगा, तो आप बिल्कुल सीधा देख के अपना आंसर बता दो. 39 है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद अ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन.
क्यूबॉइडल एपिथीलियम, क्यूब लाइक सेल्स है बेटा, और क्यूब लाइक सेल्स में सामने की तरफ से स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं जो ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं, जिनको माइक्रोविलाय बोला जाता है. माइक्रोविलाय आएगा तो ऑब्वियसली सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेगा. तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वहां पर ये नहीं होता है. सेकंड है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ये आपका करेक्ट आंसर है. स्टेकिन ट्यूब इज नॉट द आंसर. लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज नॉट द आंसर, बिकॉज लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में यू हैव कॉलमनर एपिथेलियम. तो 39 का जो एग्जैक्ट आंसर आपके पास बनेगा, दैट विल बी द सी, दैट इज द पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ किडनी दैट हेल्प इन ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. Next question 43, how many true breeding pea plant varieties did the Mendel selected as a pair which were similar except in one character with the contrasting trait? Bahut hi simple question hai beta, itna kuch aapne padha aur unhone question dekho kya pucha aapse. Very simple question, very simple. Aapko pata hai ki Mendel ne jo varieties li thi usme characters jo usne liye the usme contrasting trait present thi. ठीक है, लाइक हाइट के लिए, कलर के लिए, फ्लावर पोजीशन के लिए. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपके पास है, दैट इज 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज व्हिच इज हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 और द गैप 1 ऑफ द इंटरफेस. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर है बेटा प्लस 1 में, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो G1 फेज होता है इंटरफेस में, वहां पर आप करते क्या हो, क्या एग्जैक्ट होता है. सबसे पहले बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द सेल कंपोनेंट टेक्स प्लेस, ये पॉसिबल नहीं है. सेकंड बोलते हैं सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ठीक है, नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. तीसरा, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस, और आपको पता है कि कैरियोकाइनेसिस जो होगा वो एम फेस में होगा, इंटरफेस में कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस नहीं होता. फोर्थ लिखा है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, और ये आपको पता है बेटा एस फेज में होता है, नॉट इन द जीवन फेज. तो जीवन में सेल का साइज बढ़ता है क्योंकि सेल में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. सो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव माना जाता है बट वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है. एंड प्लस वन मोर थिंग, उसका डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा. डीएनए कब रेप्लिकेट होगा? एस फेज में. तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा बेटा आपके पास? सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ द बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज 6.62 × 9 बेस पेयर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डीएनए अप्रोक्सीमेटली. ये क्वेश्चन ड्रॉपर और क्रैश में बच्चे कर चुके हैं जेनेटिक्स में, प्लस टू में भी आप लोग करोगे. तो इसमें बेटा सीधा सा फॉर्मूला आपको दिया जाता है कि अगर आपने लेंथ निकालना है डीएनए का, ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो भी आपको गिवन है मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर. नाउ दैट इज द सिंपल फॉर्मूला जो आपको दिया जाता है फॉर द लेंथ ऑफ द डीएनए. और एनसीईआरटी में जेनेटिक्स का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पर सीधा सीधा उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है ये पूरा. तो इसका आंसर आपके पास गिवन है 2.2 मीटर. क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन आपको भी दिया गया. इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज. मैं बहुत इसके बड़े सारे और भी रीजन मैंने आपको दिए थे, और जो रीजन एनसीईआरटी ने आपको दिया है वो आपको याद होना चाहिए. पहला बोलते हैं कॉकरोच डज नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली गलत है, नर्वस सिस्टम होता है उसके पास. सेकंड बोलते हैं द हेड होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हाइल रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बेटा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्लियर कट गलत है. सेकंड ऑप्शन ठीक है, हेड में बहुत कम पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, मैक्सिमम नर्वस सिस्टम उसके बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन है. तो दैट इज अ रीजन कि अगर आप हेड रिमूव कर देते हो तब भी वो काफी दिनों के लिए जिंदा रहता है. द एंजाइम एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. अभी एंजाइम जो है बेटा ये बेसिकली निकलता है सक्कस एंटेरिकस में, विच इज द इंटेस्टाइनल जूस. लेकिन ये काम क्या करता है, ये इनएक्टिव एंजाइम, सॉरी इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. मतलब ये कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, सो दैट ट्रिप्सिन कैन गो फॉर द प्रोटीन डाइजेशन. क्लियर? फिर आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बेटा करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है. तो देखो, सीरोजा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये गलत है. सबसे बाहर वाली देखोगे आपके पास सीरोजा है, फिर आपके पास
मस्कुलैरिस है, फिर आपके पास म्यूकोजा, देन म्यूकोजा. तो म्यूकोजा सबसे अंदर की तरफ है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये क्लियर है. इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है और हाईली कॉइल्ड पोर्शन है. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम, ये गलत है. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बेसिकली सीकम से निकलता है, ठीक है, विच इज बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन बेटा गलत है. इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करता है. तो इसका सही आंसर आपके पास बनेगा सेकेंड ऑप्शन. अब इसके बाद है मैच द फॉलोइंग. तो देखो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले बोला इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब जो कैटालिटिक यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, रोकेगा, तो उसको इनिबिटर बोला जाता है. तो ये जो आपको सामने दिए हैं इनमें बेटा इनिबिटर में मैलोनेट आता है, विच इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. आई होप आपको याद होगा एंजाइम वाले चैप्टर में. पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होंगे तो कोलेजन प्रोटीन है. सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, ऑब्वियसली वो काइटिन है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल अगर आपको याद हो तो रिसिन, विच इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इट इज बेसिकली अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. तो 56 का जो आंसर आपके पास है वो हमारे पास बनेगा फोर्थ आंसर, दैट इज A2B4C3D1. क्लियर. देन उसके बाद है गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स आर द मॉडिफाइड फ्रॉम, किससे बनते हैं गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल बेसिकली बेटा कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनते हैं. अगर आपको याद हो कॉलमनर एपिथेलियल सेल में लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स हैं और इन्हीं लॉन्ग कॉलम लाइक सेल्स के ऊपर आपको फ्लास्क शेप ये ग्लैंड नजर आते हैं जिनको गॉबलेट सेल बोला जाता है, जिनका मेन काम होता है टू सिक्रेट द म्यूकस एंड टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. तो ये मॉडिफाइड होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट अगर आप देखो तो कार्टिलेज से रिलेटेड है. कंपाउंड एपिथेलियल सेल ऑब्वियसली गॉबलेट नहीं बना सकता क्योंकि वो ग्लैंड नहीं बनाता, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल भी ये नहीं बनाएगा. मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो 6-15 पेयर ऑफ गिल स्लेट, ऑब्वियसली बेटा 6-15 पेयर हमें मिलते हैं साइक्लोस्टोम में. हेट्रोसर्कल काउडल फिन, हेट्रोसर्कल मैं बता चुकी हूँ जिसमें काउडल फिन में दो लोब्स हैं बट वो अनइक्वल होती है. तो ये हमें मिलता है कॉन्ड्रेज यानी कि कार्टिलेजेनियस फिश में. एयर ब्लैडर यानी कि स्विम ब्लैडर बोनी फिश में होते हैं, दैट इज व्हाई दे कैन कंटिन्यूअसली स्विम इन द वाटर. पॉइजन स्टिंग जो कि स्टिंगिंग के लिए यूज होगा वो ट्राइगोन में होगा, जिसको स्टिंग रे भी बोला जाता है. क्लियर. जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास बना 58 में वो हमारे पास बनेगा फोर ऑप्शन. इसमें हमारे पास ए का बना 2, देन बी हमारे पास है 3, सी हमारे पास है 4 एंड डी हमारे पास है 1. That is again a question from the animal kingdom. देख लो animal kingdom में से mix करके आपको question दिए हैं, ठीक है? Dissolution of the synaptonemal complex. बेटा synaptonemal complex जो है वो paternal maternal को pair की form में बना के रखता है. तो अगर आपने वो dissolve कर दिया तो वो chromosome separate हो जाते हैं. तो dissolve कब करा जाता है? देखो zygotene में pairing होती है सब बच्चों को पता है, तो इसमें तो आप dissolve नहीं करोगे. Leptotene को thread like stage बोला जाता है क्योंकि इसमें chromosome condense होते हैं. Pachytene को crossing over stage बोला जाता है क्योंकि इसमें crossing over होती है, तो इसमें भी हम dissolve नहीं करेंगे. बच्चा कौन सा हमारा? Diplotene stage, जहां पर synaptonemal complex dissolve होगा. Name the enzyme that facilitated the opening of the DNA helix during the transcription. ये dropper और crash वाले बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है molecular basis of inheritance वाले chapter में, ठीक है? Plus two वाले बच्चे भी करेंगे ये. इसमें बेटा जो exact answer आएगा वो RNA polymerase आएगा, जो कि transcription. Transcription का मतलब होता है जब DNA से RNA बनता है. तो जब हम DNA से RNA बनाते हैं तो ये enzyme use करा जाता है. When this enzyme binds to the DNA, तो ये DNA के hydrogen bond तोड़ता है. तो बेटा जो हमारा डीएनए है उसमें दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, ठीक है? दिस इज नोन ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. सो इट इज डन बाय द आरएनए पॉलीमरेज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एडीनाइन पेयर विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत. एडीनाइन पेयर विद थायमिन थ्रू ही हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत. एडीनाइन डज नॉट पेयर विद थायमिन, वेरी गलत. ठीक है, एडीनाइन पेयर विद द थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली बेटा ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड. चार्गट रूल में बताया जाता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हो. तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका बनेगा नंबर फोर ऑप्शन. मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. डिजीज दिए हैं, ग्लैंड के नाम दिए हैं, फटाफट से देखो जरा. बहुत इजी क्वेश्चन है. पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास आता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो एडीएच की डेफिशिएंसी से होगा. थायराइड ग्लैंड में आएगा ग्रेव डिजीज, विच इज कॉल्ड एक्सोथैल्मिक गॉइटर.
एड्रिनल ग्लैंड में एडिंसन डिजीज, पैनक्रियाज रिलेटेड विद द डायबिटीज मेलिटस। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 63 का आंसर हमारे पास बनेगा यहाँ पर 2। तो 2 में बेटा ए का है हमारे पास ऑप्शन 3, ठीक है, बी हमारे पास है 1, सी हमारे पास है 4 और डी हमारे पास है 2। तो 63 का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। Which of the following would help in the prevention of diuresis? Diuresis मतलब जो excessive urine का removal होता है body से, बार बार urination होता है तो उसे पानी भी बहुत ज्यादा निकलता है, तो इस चीज को कौन prevent कर सकता है? Plus one के chapter में से question पूछा गया है, excretion वाले chapter में। तो सबसे पहले बोलते हैं reabsorption of the sodium in the water from the renal tubule due to the aldosterone. एल्डोस्टेरोन को बेसिकली सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोला जाता है बॉडी का, सो इट हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ द सॉल्ट एंड दैट विल आल्सो कॉजेस द रिटेंशन ऑफ द वाटर। सो ऑब्वियसली दोनों चीजें रिटेन होंगी तो कम से कम यूरिन में जाएंगी, तो ये डायूरेसिस को ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करेगी। क्लियर? अब इसी के बाद अगर ANF की बात करें तो ANF जो है बेटा वो इसका उल्टा काम करता है, ठीक है। डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ द रेनिन बाय द जेजी सेल, अगर आपने रेनिन कम कर दिया तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, तो आप डायूरेसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू द अंडर सिक्रेशन ऑफ द एडीएच, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। एडीएच अगर कम सिक्रीट होगा तो पानी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बल्कि वो ज्यादा यूरिन में जाएगा। क्लियर? तो 66 का करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा 1। मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है बेटा। आपका जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो अरेस्टेड स्टेज में होता है, कौन सी अरेस्टेड स्टेज में होता है? मेटाफेज 2 अरेस्टेड स्टेज में होता है। तो ये मेटाफेज 2 अरेस्ट कब ओपन होगा? जब इसका स्पर्म के साथ कॉन्टेक्ट होगा तभी मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगी। तो एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन? नो। आफ्टर द जायगोट फॉर्मेशन? नो। एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद एन ओवम? ऑब्वियसली जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तभी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। क्लियर? प्रायर टू ओव्यूलेशन ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको पता है जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी ऊसाइट होता है और वो अरेस्टेड स्टेज में ही रिलीज होता है। तो ये अरेस्ट कब खुलेगा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनिमल किंगडम। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। ग्रिगेरियस और पॉलीफेगस पेस्ट, ग्रिगेरियस ग्रुप में जाते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, लोकस्ट। एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री, लार्वे के पास बाइलेट्रल सिमेट्री। ये कैरेक्टर है काइनोडर्म्स का, एग्जाम्पल है एस्ट्रियास, स्टारफिश, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन के केस में, बायोलुमिनेसेंस, स्टीनोप्लाना के केस में। तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन।